व्हाट्सअप गाइस, दिस इज हेमू अधिकारी एंड यू आर वाचिंग हेमू अधिकारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आया हूँ गांधीनगर। तो दोस्तों गांधीनगर एशिया की पूरी सबसे बड़ी मार्केट है, जो कपड़ों की टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मार्केट कहलाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर से मेरी बात हुई है, मैं उनके यहाँ जाके वीडियो बनाऊंगा कि वो गारमेंट्स किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे वो बनाते क्या हैं, जीन्स वगैरह सारी चीज़ें बनाते हैं, शर्ट वगैरह सब बनाते हैं, सब होलसेल जो कपड़े इंसान पहनता है वो सारे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है दोस्तों। और अगर हाँ, आपको बिज़नेस वगैरह के रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाई है, जैसे जिसको बिज़नेस वगैरह करना है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस वीडियो को पूरी देखना। डिस्क्रिप्शन में मैंने मैन्युफैक्चरर का नंबर डाला हुआ है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लेना और मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वो मुझे बाद में बताना। अगर आपको बिज़नेस करना है तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी बनी हुई है, तो दोस्तों आप पूरी वीडियो देखना। और कोई गलती वगैरह हो रही हो तो थोड़ी बहुत माफ़ कर देना, क्योंकि समझा करो आपका ही भाई हूँ, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो, तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके के बच्चों की पैंटें बना रहे हैं ये आजकल, ठीक है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी पैंटें, बिल्कुल वाइट कलर की पैंटें हैं ये। क्यों, ये वाइट कलर की पैंट है, ठीक है। ये कितने की जाती है भाई साहब? ये जाती है लगभग यहाँ से 350 से 400 रुपए के बीच में। अंदर की बात, 100 रुपए की पैंटे देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको लेनी हो तो यहाँ से 100 रुपए के लिए जा सकते हैं ये पैंटे। पर एक 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 पैंट नहीं मिलेगी आपको यहाँ से, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं होलसेल का तो यहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए है, ठीक है। ये देखिए बच्चों की पैंट है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही प्यारी पैंट है। अगर आप होलसेल के लिए यहाँ से माल बनवाते हैं तो आपको अच्छा होगा। ये देखिए ये जो माल है इनमें पैक होकर रखा हुआ है, ये माल जो है बाहर जाने के लिए रखा हुआ है जहाँ तक है, ठीक है। तो मैं एक आधा डब्बा दिखाता हूँ आपको, उसमें वीडियो चिंता मत कर। तो देखिए ये शर्ट, इसमें शर्टें बनी हुई हैं, इन शर्ट की कीमत ये देखिए, यहाँ से जो शर्ट जाती है ना तो ये पैक होकर 100 रुपये की जाती हैं, ठीक है। मार्केट में आते आते 300-400 रुपये की हो जाती हैं, ठीक है। मैं इसका नाम नहीं दिखा सकता हूँ आपको, 1000 का। अरे बाप रे। तो दोस्तों ये 1000 रुपये की शर्ट है जो मैंने आपको दिखाई थी, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए 300-400 रुपये की इनके यहाँ से आती है, ये मार्केट में जाके 1000 की बिकती हैं। तो आप सोच सकते हैं, नाम मत देखना दोस्तों, और नाम पूछना भी मत कंपनी का, कंपनी वाला मेरे पे क्लेम ठोक देगा, ठीक है ना। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये मैन्युफैक्चरर के यहाँ के रेट हैं जो यहाँ से जाते हैं, ठीक है। यहाँ से शर्ट बहुत सस्ती जाती है और वहाँ जाके 1000 रुपये की शर्ट बिकती है ये, 1000 जैसा, मतलब जो दुकानदार इस तरीके से बेचता है सप्लायर से लेने के बाद, ठीक है, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर, और कुछ इस तरीके से ना, ये देखिए ये इस तरीके से मशीन होती है जिसमें सिलाई होती है, तो आप देख सकते हैं पूरी मशीन, देखिए। और ये बच्चों की पैंटें बन रही हैं अभी इस फैक्ट्री में, मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ, ठीक है। तो अगर आपको होलसेल के लिए माल वगैरह ख़रीदना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं इनका नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप चाहो तो ऐसी मशीनें खुद भी लगा सकते हो। इनकी मशीन की कीमत कितनी होगी भाई साहब? एक मशीन लगभग 1.5 लाख रुपये। ये एक मशीन 1.5 लाख रुपये की है, आप चाहें तो एक मशीन से भी कारोबार चालू कर सकता है ना बंदा? नहीं, कितनी मशीन लगानी पड़ती है कम से कम? मतलब कि 5-6 लाख रुपए कम से कम लगेंगे। और नई मशीनों की बता रहा हूँ, पुरानी मशीनें अगर आप जुगाड़ कर सकते हैं तो पुरानी ले सकते हैं, ठीक है ना। पर नई मशीन अगर आप लेते हैं तो आपको 5-6 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है इस बिज़नेस की, और मुनाफा काफ़ी अच्छा होता है इसमें, डबल का मुनाफा होता है, ठीक है। तो आप ये काम चालू कर सकते हैं, मैं आपको और दिखाऊँगा, अभी मैं नीचे जाऊँगा, नीचे भी और बहुत सारा सामान है जो मतलब नीचे मैं दिखाऊंगा, फैक्ट्री में पूरी फैक्ट्री दिखाऊंगा। ये तो अभी छोटा सा ट्रेलर है, तो वीडियो पूरी देखना और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।
जिसे फोल्डिंग कहते हैं, इससे जो है दो पल्लों के आपस में जुड़ाई की जाती है, देख सकते हैं आप। इसे लुप्पी मशीन कहते हैं और इससे पेंटों में लगने वाली लुप्पी तैयार होती है। पहले के मुकाबले अब आसान कर दिया गया काम, अब एक बार में लुप्पी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं लुप्पी किस तरीके से तैयार होती है। पहले इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से यहाँ से जाने के बाद ये लुप्पी तैयार होती है, और तैयार होने के बाद लुप्पी कुछ इस तरीके हो जाती है, देख सकते हैं आप। अब दिखाने जा रहे हैं हम आपको ये ओवरलॉक। ओवरलॉक किसे कहते हैं ये आप देख सकते हैं। ओवरलॉक कहते हैं, अगर ओवरलॉक ना हो तो कपड़े में कुछ इस तरीके से इसमें से धागे निकल सकते हैं, खुजड़े निकल सकते हैं, कपड़ा डैमेज हो सकता है कुछ इस तरीके से। लेकिन जब इसमें ओवरलॉक हो जाती है तो कपड़ा डैमेज होने का कोई डर नहीं होता। आप देखेंगे, आप जब यहाँ ओवरलॉक हो चुकी है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड, ये ओवरलॉक होने के बाद कुछ इस तरीके का हो जाता है, और फिर उसके बाद इसमें जो है किसी तरीके से डैमेज होने का कोई डर नहीं होता। अब हम आ गए हैं जहाँ सिलाई होती है, सिलाई का डिपार्टमेंट। यहाँ सिलाई मशीनें होती हैं और यहाँ पर कपड़ा सिला जाता है, जीन से सिली जाती हैं। आप देख सकते हैं कारीगर किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से सिलाई होती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पैंटों में जेब लगाई जा रही है, देखिए मशीन से काम हो रहा है। ये जू की मशीन है, हमारे जो ये यहाँ के जो काम करने वाले हैं ये बता रहे हैं हमें, ये पूरा आइडिया दे रहे हैं हमें यहाँ पर कि किस तरीके से क्या काम होता है। ठीक है, तो जो भी बात बताएंगे तो ये बताएंगे, आप इनकी बातें सुनना पूरी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से पैंटें बनती है यहाँ पे, और आप अपना होलसेल का ऑर्डर ले सकते हैं, यहाँ पर आके दे सकते हैं अपना होलसेल का ऑर्डर। अगर आपको गारमेंट्स का काम करना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको होलसेल से माल नहीं लेना है, आपको मैन्युफैक्चरर से माल लेना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से जो माल लेंगे आप, आपको दुगना मुनाफा होगा, दुगना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको मैन्युफैक्चरर से मिलना होगा। तो उनमें से एक मैन्युफैक्चरर से मैं आपकी बात करा रहा हूँ, और वो आने वाले हैं मेरे सामने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू सिद्दीकी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गारमेंट्स में, गारमेंट्स के बिज़नेस में अगर आप कमाना चाहते हैं,
दुगना मुनाफा। अगर या फिर अगर आप करना चाहते हैं गारमेंट्स का बिज़नेस, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटी रकम लगा कर भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं गारमेंट्स का, जीन्स शर्ट, टी शर्ट, मिडी, इसका टॉप, जिस चीज़ का भी आप गारमेंट्स का मतलब एक गारमेंट्स में जो भी कुछ आता है, आप गारमेंट्स का जब बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप जो है होलसेलर से ना लेकर, जैसे आप होलसेलर से अगर लेते हैं तो होलसेलर अपना मार्जिन रख लेता है, होलसेलर लेता है मैन्युफैक्चरर से, तो हम क्यों ना डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लें। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो आपको वो बेनिफिट डायरेक्ट आपको जाएगा जो होलसेलर बीच में ले रहा है। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि होलसेलर ने हमसे लिया, वो 100 रुपये या 50 रुपये या जितना भी मार्जिन रख के आपको देता है। अब आपको 500 रुपये की चीज़ है, अगर वो उसने 100 रुपये मार्जिन रखा तो वो आपको मिली 600 रुपये, तो आप उसको जो है 700 रुपये में बेचेंगे। और अगर वही चीज़ आप मैन्युफैक्चरर से लेते हैं 500 रुपये की, आप 100 ही रुपये का मुनाफा रखें, 600 रुपये में बेचें, आपका मुनाफा दुगना हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 रुपये का ख़रीद के 600 रुपये में बेचूंगा तब भी 100 रुपये का बेनिफिट, 600 रुपये का ख़रीद के 700 रुपये में बेचूंगा तब भी 100 रुपये का बेनिफिट। बेनिफिट इसको ना देखें, आप जब 500 रुपये का बेचें, 500 रुपये का ख़रीद के 600 का बेचेंगे, और कोई 600 का ख़रीद के 700 का बेच रहा है, माल किसका बिकेगा ज़्यादा? आपका, क्योंकि आप मार्केट से सस्ता माल बेच रहे हैं। ज़्यादा किसका बिकेगा? आपका। बेनिफिट ज़्यादा किसका होगा? आपका, यानी दुगना मुनाफा। तो चॉइस आपकी है, आप होलसेलर से लेना चाहेंगे या हमसे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है? अपने कमेंट नीचे करना और बताना कि कौन कौन किस किस को वीडियो अच्छी लगी है, और जिसको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है दोस्तों? और सब्सक्राइब कर लेना आप। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।